दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे शिक्षक भर्ती का फॉर्म। निर्देश जारी। 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा। दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जिला स्तरीय शिक्षक बनने के मौका मिलेगा। दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक चाहे तो BPSC से जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 जून को पटना में 22 केंद्रों पर दक्षता परीक्षा होगी। BPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 अगस्त तक आवश्यक डिग्री के लिए अभ्यर्थी की परीक्षा हो जाती है तो वे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दक्षता परीक्षा BTET या CTET के समक्ष मानी जाती है। प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित 3,23,000 शिक्षकों में से लगभग 12,000 शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। इनमें 722 वैसे हैं जो पहले हो चुकी 3 बार की दक्षता परीक्षा में फेल हैं। कुछ शिक्षक 2 बार और कुछ 1 बार फेल हैं। लगभग 75 ऐसे शिक्षक हैं जो पहली बार दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना क्यों जरूरी है? राज्य में 2011 के पहले वैसे शिक्षक जो टेट CTET और STET उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी है। NCTE के मुताबिक बिना शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक बने नहीं रह सकते। बिना दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ नहीं मिलेगा। 100 अंकों की होगी दक्षता परीक्षा। SERT के माध्यम से दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें लगभग 70% प्रश्न विषय वस्तु से होंगे, 20% शिक्षण कौशल से संबंधित, जबकि 10% प्रश्न अभिरुचि और रीजनिंग से होंगे। अधिकांश प्रश्न कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम से होंगे, हालांकि कुछ प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे। दक्षता परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 45%, आरक्षित कोटे के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है। अब तक हो चुकी है 4 बार दक्षता परीक्षा। 15 अक्टूबर 2009, 20 जनवरी 2011, 19 अक्टूबर 2013 और 19 जुलाई 2016 को भी ये परीक्षा कराई जा चुकी है। छठे चरण में नियुक्ति 2,500 हाई स्कूल शिक्षकों को 31 जुलाई तक वेतन भुगतान का आदेश दिया गया।